हेलो फ्रेंड्स, हम बना रहे हैं आज निमोना। हम मम्मी मेरी, मदर इन लॉ, ये दोनों हम डायबिटीज हैं तीनों, इसलिए तो हम आधे घंटे तो चावल भिगो देते हैं। अभी भिगोने के बाद चावल रख देते हैं होने के लिए। मेरा चावल हो जाता है, इसके एक खोप पानी निकाल देते हैं। निकाल के ये पानी हमारा निखर जाते हैं, इसमें से सारी शुगर बाहर आ जाती है। ये छन्नी से चावल छान देते हैं। मेरा ये पानी सारा निकल गया, जो इसमें मिठास रहते हैं चावल में। देखिए हम निकाल रहे हैं एक एक घूंट पानी इसमें से। चावल के पानी निकाल दिए, इसमें से सारा मिठाई निकल गया। आधा घंटा के लिए मैंने चावल भिगा के छोड़ दिए थे। मेरा चावल भीग गया, उसमें से पानी तभी भी निकल गया मीठा। फिर बनाने के लिए रखी, वापस पानी निकाल दी हूँ। इधर हमारा निमोना हो गया पानी लाए, पानी डालना है इसमें। ये हमारा निमोना में पानी पड़ गया। मटर छील के धो के इसको फ्राई कर ले। फ्राई करके मिक्सर में लगा दी, दरबरा पीस ले। मेरा ये निमोना हो गया है। निमोना में हमने आलू डाल दी और हम अपने लिए तीनों के फूल गोभी डाल दे। मेरा चावल भी हो गया, निमोना भी हो गया। और रोटी सेक करके देना है सासू माँ को, ससुर जी को खाने के लिए। बज रहे हैं रात को 8। खाना दे देते हैं, बाकी लोग तो लेट खाते हैं। मेरा ये देखिए निमोना अच्छा हो गया। प्लीज़ आप लोग वीडियो देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। हर संभव महादेव आपको सदा खुश रखे। देखिए हमारा निमोना अच्छे से हो गया, ग्रेवी बन गई है। बस एक बार खा ले निमोना, अच्छा उनके रेडी हो गया। डालना है इसमें धनिया पत्ती। प्लीज़ आप लोग वीडियो देखो, दोस्तों में, भाभी भैया में, सबको शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। हरा